भोजपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित 14 पंचायतों के 25,000 पीड़ितों को सरकार से मिलने वाली विशेष अनुदान राशि की राह में जनप्रतिनिधि ही रोड़ा बन गए हैं। दर्जनों स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, इनके बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई और अनुदान देने के पूरा श्रेय समय को लेने की होड़ तथा बिना प्रभावित लोगों को भी प्रभावित की सूची में शामिल करने की मनमानी के कारण बड़हरा और शाहपुर के 14 पंचायतों के लगभग 25,000 की आबादी अनुसरण समिति से पास होकर जिला मुख्यालय को नहीं मिली है। इन सभी के द्वारा सूची में विलंब करने के कारण करीब 18 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए रुकी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यदि आपसी वर्चस्व को छोड़कर मानव हित में एक दो दिन में सूची पर सहमति नहीं दी जाती है तो यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के बाढ़ सहायता की राशि मिलने में फिर विलम्ब हो सकता है। सरकार दूसरी किस्त की राशि दशहरा के बाद देने की तैयारी में है, लेकिन सूची फाइनल नहीं होने के कारण इन पंचायत के लोगों को बाढ़ अनुदान की राशि इनके खाते में नहीं जा पाएगी। लोकल लेटिन के द्वारा इसकी पड़ताल किए जाने पर पता चला कि बड़हरा प्रखंड क्षेत्र के 3 पंचायत और शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के 20 में से 11 पंचायत के द्वारा अब तक बाढ़ पीड़ितों की सूची फाइनल नहीं की गई है। इसके अलावा अन्य पंचायतों की बची हुई सूची को तेजी से फाइनल करने का कार्य चल रहा है, एक दो दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जिन पंचायतों में विवाद नहीं है वहां पैसे दूसरी किस्त की जाना भी शुरू हो जाएगी। बाढ़ आपदा राशि को लेकर डीएम तने सुल्तानिया ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी समस्या सामने आई थी, लेकिन उनका समाधान कर लिया गया है। मेरे पास सूची आने लगी है, बहुत कम ही लोगों की सूची बची है, जल्द ही उसे लेकर विभाग को सौंप दिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा भी बाढ़ राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। ये बाढ़ राहत जो भी हमने के बड़ी है पंचायत में मुखिया हो सरपंच हो चाहे समिति हो, हमने के कुछ नहीं मिलल समझ लिए। हमने के इतना तक भी मुखिया से भी प्रमुख से सब कुछ हमने के कोर्स कर रहा है, ब्लॉक से एरिया तक कोई सुनवाई नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं किया आप लोग? लिस्ट में 16 मेरा है, 19 में जो बाढ़ आई है वो मैं उनके नाम है समूचा आदमी के कट गुल बा बार बार की ना अब जब अब तब कल ना मिल तब कल क्या असर कर गया। यहाँ बाढ़ आया था ना जी? जी रोड पर पानी है, यहाँ तक तो पानी आया है। आपका पंचायत बाढ़ में घोषित हो गया? हाँ घोषित हो गया है। हम लोग का पश्चिमी गुंडी बहनगा नहीं आया है, सब कहू के लेकिन नहीं सरपंच से इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ क्या नाम है आपका? राम कसौर राम। बाढ़ में हमने के हाँ बाढ़ में नाम बा ना ना के कट ले बा अब का जानो सरकार से कटल बा के कैसे कटल बा जानकारी थोड़ी बा। बाढ़ आई ना रहे बाढ़ है बाढ़ है रे दिक्कत में रह जाए सब कुछ सब बंद हो गए आना जाना गेरू माल सब कुछ दिक्कत में रहे। मदद कुछ ना मिला ना कहाँ कुछ मिलल तो लिस्ट अभी तो सबके लिस्ट गई बा बाढ़ के 7,000 रुपया मिले वाला। अच्छा तो नहीं मिलल नामो नहीं के गई ना कोई सर हुआ कहले रही अपने यहां मुखिया ना मुखिया से कह रहा है तो कहते लोग अब नया का लिस्ट आई तो जाई नया लिस्ट आई तो जाई। हां तो लिस्ट तो चल गई तब जानकारी नहीं के माने गोल के नाम के देले नहीं की जाए। अच्छा का नाम पड़ी राव दे मुनी पति के नाम सुभाष घर बभनगांव। हाथ में कई लोगों का नाम छूटने का बात सामने आया है, क्या मामला है? ये मामला है कि कुछ लोग के उन्हीं से मिला था उन्हीं से कट गया था, आज तक भी अभी वर्तमान में किसी का नाम नहीं है। हमने सुना अपने वार्ड में मुसहर जाति का लोग है, चमार जाति का लोग है, दुसाध जाति का लोग है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं यहाँ तक ले पानी आ चुकी है, हम लोग का रास्ता जाम हो गया है। हम चाहेंगे माननीय अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ से रिलीज किए हैं कि गरीबों के बार जो प्रभावित लोगों हैं उनको हम 7,000 रुपये खाता में डालेंगे, लेकिन सी ओ साहब से मैं आग्रह निवेदन करूँगा और जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह निवेदन करूँगा कि हमारे जो गरीबी रेखा के नीचे में है जो हमने अगला में बाढ़ वाला में जो हम लोग इथी किए हैं आवाज़ उठाए हैं कि हम लोग पश्चिमी गुंडी बाढ़ से प्रभावित है इसको घोषित कर दिया जाए और इन लोग का जो जो सरकार का लाभ मिलने वाला है जैसे कि 7,000 रुपया का आदेश हुआ है सरकार का इसमें। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं तो किसकी गलती है यहाँ से पंचायत? यहाँ से देखिए गलती किसी का है नहीं, रह गया सवाल कि उधरे बिचौलिया लोग जो है ब्लॉक में कर्मचारी जो तहसीलदार हैं वहाँ से गड़बड़ हो जाता है। कैसे हो जाता है? टेक्निकल से हो जाता है कि किसी के कंप्यूटर पर हो जाता है कि क्या हो जाता है? सूची में नाम नहीं जोड़ा जाता है तो आप लोग करेंगे क्या? हम लोग तो करेंगे यदि हम 4-5 दिन देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे मेन पूरे अपने जनता के साथ में। ठीक है अपना बता दें। हमारा नाम है दिनेश राम, वर्तमान सरपंच हूँ।